वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएस सिनेप्लेक्स और लौट आए हैं हम अपनी एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी के बीच एक ऐसी बात हुई थी जिसके बाद ये दोनों हीरोइन एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करती थी। माधुरी दीक्षित के अफेयर्स की न्यूज ने भी अनिल कपूर के घर खलबली मचा दी थी। और वो माधुरी दीक्षित का कौन सा फैन था जिसने माधुरी के जन्मदिन को नेशनल हॉलीडे बना दिया था। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और इनसाइड स्टोरी लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो अगर आप माधुरी दीक्षित के फैन हैं और आप उनके सीक्रेट्स जाने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। सो लेट्स स्टार्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। मुंबई ही माधुरी की जन्म और कर्मभूमि है। माधुरी के पेरेंट्स चाहते थे कि माधुरी पैथोलॉजिस्ट बने, लेकिन माधुरी की किस्मत में देश की सुपरस्टार बनना लिखा था, लिहाजा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। वैसे बेशक पैथोलॉजिस्ट के प्रोफेशन में माधुरी नहीं आई हो, लेकिन शादी उन्होंने मिस्टर नैने से की और इस तरह वो डॉक्टर के प्रोफेशन से इनडायरेक्टली जुड़ गई। सॉन्ग 1 2 3 से लेकर घाघरा तक इन सारे गानों के लोग जबरदस्त फैन है। और 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही माधुरी ने तेजाब, रामलखन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और देवदास जैसी बेहतरीन फिल्में की। माधुरी के नाम के साथ आज भी सुपरस्टार का टैग लगा हुआ है। माधुरी के स्टारडम का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि माधुरी ने उस समय हम आपके हैं कौन की फीस 2.5 करोड़ रुपए ली थी, जो सलमान खान की फीस से कई गुना ज्यादा थी। फिल्म में माधुरी के खांसने का स्टाइल उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। माधुरी के बर्थडे को पब्लिक हॉलीडे बनाना, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल माधुरी दीक्षित का एक बहुत बड़ा फैन था जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया और उसकी शुरुआत ही उन्होंने माधुरी दीक्षित के बर्थडे से की। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सरकार से ये भी मांग की कि वो माधुरी दीक्षित के बर्थडे को पब्लिक हॉलीडे बना दे। माधुरी दीक्षित के एक और फैन है जिन्होंने उनकी फिल्म को 65 टाइम्स से ज्यादा देखा, और जब माधुरी ने फिल्म आजा नचले से अपना कमबैक किया तो उन्होंने पूरा थिएटर ही बुक कर लिया, और उस फैन का नाम है फेमस पेंटर MF हुसैन। जी हाँ दोस्तों, पेंटर MF हुसैन माधुरी दीक्षित के जबरदस्त फैन थे। माधुरी दीक्षित ने अपनी लाइफ का पहला ऑटोग्राफ सड़क के सिग्नल के किनारे एक फूल बेचने वाले लड़के को दिया था। बॉलीवुड में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी काफी कंट्रोवर्शियल रही। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की जिसमें साजन, थानेदार, कानून अपना अपना जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की हॉट जोड़ियों में शामिल किया जाता था, लेकिन जब से संजय दत्त को जेल हुई तभी से माधुरी ने उनसे अपना किनारा कर लिया। माधुरी और संजय दत्त के बीच फिल्म खलनायक के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी, लेकिन जैसे ही संजय दत्त पिटारा केस बना माधुरी संजय से अलग हो गयी। हालांकि जब केस में पहली बार संजय दत्त को जमानत मिली थी उस वक्त माधुरी ने फिल्म के सेट पर मिठाई बांटी थी, मगर जब संजय दूसरी बार जेल गए तो माधुरी को लगा कि संजय से दूर रहना ही उनके करियर के लिए सही होगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। सालों बाद फिल्म कलंक में ये दोनों साथ नजर आए। हालांकि दोनों के एक साथ बेहद कम सीन थे, शायद यही सोच के माधुरी ने इस फिल्म को हाँ कही थी। संजय दत्त के बाद माधुरी का नाम जोड़ा गया एक्टर अनिल कपूर के साथ। उस समय दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। अफेयर की खबरें अनिल कपूर के घर तक पहुंची, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी, मगर जल्द ही इन दोनों के अफेयर की खबरें खत्म हो गई। अब बारी है उस फैक्ट के जानने की जब करगिल वॉर के दौरान माधुरी दीक्षित का नाम सामने आया था। दरअसल युद्ध के माहौल में पाकिस्तान ने कहा था कि वो कश्मीर छोड़ देगा अगर भारत उन्हें माधुरी दीक्षित दे दे। हालांकि ये बात महज मजाक में कही गई थी, मगर इससे उनकी दीवानगी के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं।
लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार माना जाता है। जिस वक्त वो अपना स्टारडम एंजॉय कर रही थी, उन दिनों उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा था। फिल्म तेजाब की सक्सेस के बाद जब ये कहा जाने लगा कि माधुरी जल्द ही श्रीदेवी के बराबर हो जाएंगी, इस खबर ने माधुरी और श्रीदेवी के बीच कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। जब भी कोई माधुरी दीक्षित को श्रीदेवी से कंपेयर करता तो श्रीदेवी भड़क जाती थी। ये सिलसिला कई सालों तक चला, यहाँ तक कि साल 2015 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान भी श्रीदेवी ने माधुरी को पूरी मीडिया के सामने जबरदस्त इग्नोर किया। उनका इग्नोर गेम मीडिया की हेडलाइन तक बन गया था। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित की शादी सबसे पहले सुरेश वाडकर से होने वाली थी। दरअसल माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स चाहते थे कि माधुरी सिंगर सुदेश वाडकर से शादी कर लें, जो कि उस वक्त एक उभरते हुए सिंगर थे। माधुरी के पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन सुरेश वाडकर ने ये कह के माधुरी से शादी करने से इनकार कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। इस रिश्ते के इनकार से उनके पेरेंट्स काफी दुखी हुए। हालांकि सुरेश वाडकर का इनकार माधुरी जी के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। माधुरी दीक्षित ने उसके बाद कई जबरदस्त हिट फिल्मों में काम किया और बाद में उन्होंने अमेरिकन बेस्ड डॉक्टर राम नैने से शादी कर ली। आज की डेट में माधुरी एक बेहतरीन पत्नी तो है ही, साथ ही दो बेटों की माँ भी है। माधुरी ने अपनी तमाम जिम्मेदारी निभाते हुए अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस किया है और फिल्मों में कमबैक करने के बाद अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं। द फेम गेम उनकी लेटेस्ट रिलीज है। आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई एम जस्ट अ मॉम, अ वाइफ, अ डॉटर। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स माधुरी दीक्षित से जुड़े। अगर आप भी कुछ नया माधुरी दीक्षित के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल आर आर सिनेप्लेक्स।